नमस्ते दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। लगभग 624 उम्मीदवार जो हमारी जानकारी में हैं, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और 16 सुरक्षित सीट थे, 59 सीटों पर मतदान हुआ, 9 जिले थे। कौन कौन से जिले थे जिनके विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ वो भी एक बार जान लेना जरूरी है। बांदा, फतेहपुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, पीलीभीत, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव, ये 9 जिले, इनके 59 सीट। क्या स्थिति थी 2017 में, सबको पता है कि इनके 59 सीटों पर उसमें से 51 सीट को अगर देखें तो सीधे सीधे बीजेपी के खाते में थी, 50+1 का हिसाब किताब है एक अपने दल के पास। यह परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी और उस वक्त 2017 में समाजवादी पार्टी के पास मात्र 4 सीटें गई, बहुजन समाज पार्टी के पास 2, कांग्रेस के पास 2। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि 2017 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। अगर देखा जाए कम से कम 9 में से 4 जिले ऐसे थे जिसमें क्लीन स्वीप हुआ था, तमाम विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। अब जो स्थिति है 2022 में, कई घटनाक्रम ऐसे बहुचर्चित सीटों पर हुए हैं जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाजपा के खाते में क्या जाने वाला है। इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले वोटिंग प्रतिशत के बारे में जरा समझ लें कि शाम 5 बजे तक जो कुल वोटिंग हुए 57.45% वोटिंग हुए हैं, और वहीं अगर 2017 के मुकाबले अगर इसकी तुलना करें तो कहा जा रहा है कि 5.4% मतदान कम हुए, यानी 62.85%। अगर आम भाषा में, इसे जनरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो लोगों ने शायद बदलाव के लिए वोट नहीं दिया है। तो एक इशारे में समझ सकते हैं कि बीजेपी के खाते में कहीं ये सीटें तो नहीं फिर से जाने वाली है। अगर बदलाव के लिए वोट होता है तो लोग जोर लगाते हैं, हिम्मत करके वोट देने जाते हैं। बावजूद इसके जो हम चर्चा कर रहे थे, लखीमपुर खीरी की एकमात्र ऐसी सीट है जिसमें निर्हासन एक सीट है, जहां पर किसान को कुचला गया था थार गाड़ी से, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार खड़े तो हुए लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां पर जाकर के चुनाव प्रचार करके चले जाए। तो एक ऐसा सीट जहां पर कोई चुनाव प्रचार नहीं हुआ, बीजेपी वहां पर खड़ी हुई है। फर्क तो पड़ेगा ही, और वहां के लोग तो जाहिर तौर पर भाजपा ने जो कुकृत्य किया वहां पर, तो उसके लिए उन्हें सजा दी जाएगी, वहां के लोग उन्हें जरूर पनिश करेंगे। बाकी अदालत जो है वो तो देख ही रही है कैसे जमानत मिल गया 320 और 120 के मामले में। तो इस मामले पर आपको जरा समझना पड़ेगा कि स्थिति क्या है, कि पूरे परिदृश्य में से आप अलग अलग बात समझने की कोशिश कीजिए। हमने बताया कि वोटिंग प्रतिशत जो है कम हो गया। अगर बांदा में जाते हैं तो बांदा में 4 विधानसभा सीटें हैं जिसमें चारों पर बीजेपी का कब्जा था। फतेहपुर में 6 में से 6 समझ लीजिए, 1 चूंकि वो था अपना दल के पास तो वो 6 समझिए। हरदोई में 8 में 7, खीरी लखीमपुर वाला 8 में 8, लखनऊ में 9 में से 8, पीलीभीत में 4 में से 4, ये सब बीजेपी के पास। रायबरेली 5 में से 2, सीतापुर 9 में से 7 और उन्नाव 6 में से 5, ये था 59 में से 51 का आंकड़ा। अभी जो हम लोग अगर देखें जिले वाइज वोटिंग प्रतिशत 5 बजे तक का, तो पीलीभीत में 61.33% मतदान हुआ, हरदोई में 55.29% मतदान हुआ, लखीमपुर खीरी वाली बात कर रहे थे तो 62.42% मतदान हुए हैं, सीतापुर में 58.39%, उन्नाव में 54.05%, लखनऊ में 55.08%, रायबरेली में 58.40%, बांदा में 57.54% और फतेहपुर में 57.02%। ये है और ओवरऑल 57.45% मतदान वहां पर शाम 5 बजे तक में हुआ है, चुनाव आयोग की ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक। अब यहां पर परिस्थिति यह है कि वोटिंग जैसे ही कम हुआ और बीजेपी का हिसाब किताब देखें, 51 सीटों के महाराजा इस बार रायबरेली में क्या किए हैं वहां पर देखना होगा, पीलीभीत में क्या कर दिए हैं वो सब क्या समझना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि रायबरेली के आसपास में कांग्रेस के 2 उम्मीदवार, एक अजित सिंह और एक राकेश सिंह जो कांग्रेस के थे, उनको तोड़ करके बीजेपी अपने मिला ली। तो जो टोटल अगर देखा जाए तो कांग्रेस के 2 और बीएसपी के 1 ऐसे उम्मीदवार थे जिनको बीजेपी ने अपने पाले में किया कि शायद जो सीट पे कमी रह गई है वो इनके रास्ते, वो मंजिल तय करने की कोशिश करें, बीजेपी की यह कोशिश है। अगर 2017 और 2012 का हिसाब किताब देखते हैं तो 2012 में जहां समाजवादी पार्टी को 39 सीटें मिली थी,
इन्हीं 9 जिले के 59 सीटों पर 2017 में 4 रह गई थी। और उस वक्त सीधे कहें 360 डिग्री 180 डिग्री जैसे बोलते हैं हमारे सीनियर साथी कि वैसे घूम जाता है समीकरण, वही है कि बीजेपी में जब 2012 में देखें तो 4 मिला था इन्हीं 9 जिलों के 59 सीटों पर, 4 सीटों पर जीत नसीब हुई थी। और वही 2017 में जब आए तो 51 हो गया, और वही 2012 में 39 समाजवादी को मिला था तो 2017 में आते आते वो 4 पे रह गए, तो चक्र घूम गया। वोटिंग उस वक्त जो है 62.85% 2017 में हो गया था। 2012 में भी वोटिंग ठीक ठाक हुई, समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा मिला, 17 में सब कुछ पीछे के पीछे रह गया, बीजेपी आगे निकल करके सामने आ गई। जो बीजेपी कभी काफी पिछड़ी हुई थी वहां पर एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन गई, तो वहां पर परिस्थिति जो है इस बार 2022 में लखीमपुर का मामला है जो उन्हें परेशान कर सकता है। और जो डेटा ये कहता है कि पीलीभीत में क्या हुआ है कि वरुण गांधी वहां पर सांसद हैं, भाजपा से ही हैं, लेकिन उन्होंने अपने ही सरकार को कई बार जो है पॉलिसी को लेकर के, गरीबी को लेकर के, इम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के, किसानों को लेकर के, इकोनॉमी जैसे मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरा है। तो ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर उठा होगा कि उन्हीं के पार्टी का सांसद वहीं लोगों को जो है समझा बुझा रहा है कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, तो उसका असर देखने को मिल सकता है। अब एक चीज और देखिए कि जो पूरा फॉर्मूला हमने देखा कि किस हिसाब से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बीजेपी ने इस बार किया है, और जो वोटर्स हैं 2 करोड़ वोट और 3.5 करोड़ वोट का एक मार्जिन बताया गया था कि 1.5 करोड़ वोटर कहां से सपा वाले फिर से लाएंगे, ये जरा देखना पड़ेगा। ये पूरा समीकरण अभी आप समझ रहे हैं, मैं लखीमपुर के निजाजम की बात कर रहा हूं, वहां पर तो मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बताया कि वहां पर कोई प्रचार करने तक नहीं जा सका, ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी। फिर भी उम्मीद है कि कुछ न कुछ होगा, भाजपा को ऐसा लगता है, लेकिन वहां के लोग तो पूरा फाइल लेके बैठे हुए थे कि बताएंगे कि अब साहब क्या कर रहे हैं और क्या हुआ है। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसान का मुद्दा लगातार उठता रहा है और किसान के चलते ही मोदी सरकार बैकफुट पर भी आई थी। तो इन 9 जो जिले हैं उसमें अगर देखा जाए तो 42 लाख किसान जो है डायरेक्टली, छोटे किसान हैं जो डायरेक्टली प्रभावित होते हैं और ये इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसमें से कहा जाता है कि ऐसे किसानों को मोदी सरकार किसान भत्ता जो देती है वो मिलता है, जो 6,000 रुपए देने की बात है, हर एक 4 महीने पर 2,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन उसमें से भी कई ऐसे लाख किसान हैं जो कि जिनको नहीं मिल रहा है, शायद वो वोटर के रूप में छिटकेंगे, थोड़ी सी निराशा दिखाएंगे। और उसमें बताया जा रहा था कि मोहम्मदी जो एक विधानसभा सीट है वहां पर भी एक जानकारी मैं सुन रहा था एक बड़े पत्रकार को, उन्होंने जो ग्राउंड पे जो एनालिसिस किया है उसके मुताबिक वहां के किसान टिकते नहीं है, वो भाग जा रहे हैं पंजाब, कहीं और चले जा रहे हैं, क्योंकि एमएसपी यूपी में 1100 रुपए से अधिक नहीं मिल पा रही है और ये 1940 की मांग कर रहे हैं। तो पूरी परिस्थिति को अगर समझने के बाद अगर देखा जाए तो कई ऐसे चेहरे जो उत्तर प्रदेश में इस बार चौथे चरण में दांव पे लगाए हुए हैं, दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम रहे, महेंद्र सिंह, स्वाति सिंह का नाम है, मोहसिन दादा का नाम है, राजनाथ सिंह है, कौशल किशोर की पत्नी का है, अजय मिश्र टेनी जो सबसे चर्चित है, ऐसे सारे बड़े बड़े लोग जो यहां पर हैं, अगर इन लोगों को देखा जाए तो ये पूरा जो समीकरण है, समीकरण यह कहता है कि इन लोगों की किस्मत में भी क्या है, वो ईवीएम में तो कैद है लेकिन परिस्थितियां जो बता रही हैं, परिस्थितियां यह कहती हैं कि किसानों की नाराजगी, लखीमपुर खीरी का मुद्दा इम्पोर्टेंट है। माफ कीजिएगा, शुरुआत में मैंने 9 जिले कह दिए थे, जो 42 लाख किसान की बात है, लखीमपुर विधानसभा में पढ़ने वाले वैसे तमाम वो हैं जिसको मैं गिन रहा था, निदासन है, पलिया है, गोला गोरखनाथ है, श्रीनगर है, दौड़ारा है, कस्ता है, मोहम्मदी है, लखीमपुर है, ये सारे मुद्दे हैं। वहां पर भी जो किसानों की स्थिति है, मैं उसी किसान की बात कर रहा था कि ये किसान जो है इनसे नाराज चल रहे हैं। पीलीभीत में जो नाराजगी का मैंने मुद्दा बताया वो वरुण गांधी की वजह से मैंने बताया, और बाकी तो बीजेपी ने अपने गुणागणित जो है वो तो कर ही रखा है, उसके मुताबिक जो है कांग्रेस के उम्मीदवारों को अपने पाले में करना हो या फिर बीएसपी के उम्मीदवारों को तोड़ना हो, ये सारी चीजें वहां पर दिमाग लगाई गई है। और इसमें सबसे बड़ी जानकारी वाली बात यह है कि बीजेपी को कहां फायदा हो सकता है, 167 उम्मीदवार, मतलब 27% ऐसे उम्मीदवार हैं 624 में से जो डायरेक्टली दागी हैं और 100% अधिक तो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस का लुटिया तो ऐसे ही डूबा पड़ा है। तो बाकी लोगों की जो स्थिति है यहां पर वो भी अगर देखें तो समाजवादी पार्टी में और बीजेपी में और बहुजन समाज पार्टी में
इन्हीं लोगों के बीच जो कड़ी टक्कर होगी तो होगी। और बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए आज मायावती भी वोट डाल रही थी। वोट डालने के बाद मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की है, और बातचीत करने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि अमित शाह की ये तो मानता है कि उन्होंने स्वीकार किया कि हम लोग सही से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अमित शाह किस भाषा में क्या बोलते हैं, कहां तंज करते हैं और कौन सी बात कब क्या कह जाते हैं जो देश भर में मजाक बन जाता है, ये तो अमित शाह ही जाने। लेकिन जो तंज था वो बहुजन समाज पार्टी पे कि कहीं उनकी लुटिया फिर डूबने वाली है क्या, क्या वाकई में टक्कर सिर्फ अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में ही है, क्या भाजपा वर्सेज समाजवादी पार्टी की ही जंग होने वाली है। जो चुनावी आंकड़े कहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज तो बढ़े नहीं, जब नहीं बढ़े हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो गड़बड़ियां दिख रही हैं, आपको जो उम्मीद जताई जा रही थी कि बदलाव होगा, भाजपा को इस बार सत्ता से हटाया जा सकता है, ऐसी कोशिशें हो रही थी, लेकिन ये आंकड़े कहते हैं कि 51 सीटों पर से बीजेपी को हिला पाना इतना भी आसान नहीं है। तो 51 सीटों में से अगर बहुत कुछ छिटकेगा भी तो फिर भी अगर 10 सीटें भी छिटकती हैं तो 41 सीटों का हिसाब किताब लगता है कि बीजेपी के हिस्से अभी भी बच सकती है। तो 51 से 41 पे आया जा सकता है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि बहुत कुछ बदल जाता क्योंकि वोटिंग में बदलाव नहीं हुआ, बढ़ चढ़ कर जो होते हैं घर से लोग निकले और वोट करने के लिए, ऐसी परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती दिखाई नहीं पड़ रही है, मतलब वोट कम पड़े हैं, तो देखना यह होगा कि इसका फायदा अल्टीमेटली रिजल्ट में किसे मिलता है, क्योंकि हम गारंटी तो नहीं ले सकते कौन जीत रहा कौन हार रहा, लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि वोट कम हुए तो सत्ता पक्ष को थोड़ा सा फायदा इसमें हमेशा माना जाता है। तो हो सकता है कि जब आगे एग्जिट पोल आए तो इसमें स्थितियां प्रकट हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। बहरहाल इस विश्लेषण में इतना ही कि उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के 9 जिले के 59 सीट पर 51 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, इस बार वोटिंग प्रतिशत का कम होना कहीं न कहीं बीजेपी को ही फायदा पहुंचाता दिख रहा है। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।